Assalamualaikum, hi everyone, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. Friends, आज मैं आपको एक और डिज़ाइन बताऊंगी बेडशीट की, जो कि मैं बेडशीट के बीच की डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, बीच से स्टार्ट करने वाली हूँ और किनारे पे मैं सर्कल बनाऊंगी। तो मैंने डिज़ाइन के लिए फ्लावर तैयार किया है, जो कि यहाँ से हम बीच से स्टार्ट करेंगे इसको और यहाँ नीचे की तरफ से यू का शेप देंगे और फिर हमें इस तरह से पूरा कर लेना है उसको इस तरह से। फिर हम ये किनारे की जो हमारी फ्लावर की लीफ है उसको हम बनाएंगे इस तरह से। फिर ये हमारा ऊपर का हिस्सा, इसे बनाने के बाद हम नीचे की तीन लीफ बनाएंगे जो हमारी बाकी की लीफ है। तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैंने तो पहले से ही ड्रा किया हुआ है, तो फ्रेंड्स ड्रा मैं इसलिए करी हूँ कि कम टाइम में मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से कहाँ से। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए दोबारा से इस पर स्केच किया हुआ है, मैं पहले से ही ड्रा कर ली हूँ। तो हमें इस तरह से बनाना है, जो आप देख रहे हैं बीच में मैंने सेट दिया हुआ है पेंसिल से, उसको हमने बस आपको दिखाने के लिए बनाया है कि इस तरह से हम फ्लावर में पेंटिंग में सेट देंगे। और उसका ज़रूरी नहीं है कि आप उसको भी ड्रेस पेपर पर उतारो, तो आपको सिर्फ फ्लावर की आउटलाइनिंग ही बनानी है, जो किनारे की है वही सब आउटलाइनिंग करनी है और इस तरह से बनाना है। और मैं कुछ और डिज़ाइन बनाऊंगी, जो कि मैं पूरी डिज़ाइन तैयार करने के लिए उसमें मैं ऐड करूंगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक डाली बनाई हुई है, तो इसको भी मैं बना लूंगी इस तरह से। तो ये डिज़ाइन मैं बनाऊंगी, तो फिर मैं ड्रेस पेपर पे इसको ज्वाइन कर करके एक बड़ी सी डिज़ाइन बनाऊँगी बीच की और फिर उसको पूरी बेडशीट के इसी से मैं पूरी बेडशीट की डिज़ाइन तैयार करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम बेडशीट पे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। वो पेपर पे मैं इसलिए बनाना बताती हूँ कि आपका जो आपकी डिज़ाइन है वो सेम एक जैसी हो, आपको अगर एक जगह के बजाय दो जगह बनाना है तो आप एक जैसा नहीं बनता है, तो उसके लिए मैं पेपर पे बनाने बताती हूँ ताकि आप ड्रेस पेपर के नीचे रख के उसकी सहायता से जितनी जहाँ चाहें जितनी दफ़ा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छोटा सा बूटा भी बनाया है इस तरह से, तो हमें इस तरह से उसको पहले बना लेना है और फिर इसी को हम इसी डिज़ाइन से हम बेडशीट पे सर्कल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं और हम इसी डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप रख के सर्कल बनाएंगे बेडशीट पे। तो ये हमारी डिज़ाइन तैयार हो गई है, अब हम आपको ट्रेस पेपर पर इसे ट्रेस करना बताएँगे और एक बीच की डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो ट्रेस पेपर लिया हुआ है, ये दो ट्रेस पेपर लेंगे हम जो हमारे ट्रेस पेपर की चौड़ाई है, ये तो एक तरफ से पतला दिखता है वो दूसरी तरफ से चौड़ा दिखता है, तो हम जो हमारी चौड़ाई है उसको हम जोड़ेंगे इसमें, ज्वाइन कर देंगे दोनों को एक में ज्वाइन कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से। हमें पेपर को अच्छे से उसको फैला लेना है, उसके बाद किनारे पर ग्लू लगा के और इसको ज्वाइन कर लेना है। ग्लू लगाने के बाद इसको हम ज्वाइन कर लेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स उससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी यह डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ज्वाइन कर लिया हुआ है, आपको इसको जल्दी जल्दी नहीं करना है क्योंकि बहुत स्लो धीरे से करना है, क्योंकि ये फटने का चांस रहता है, ख़राब भी हो सकता है, इसके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता करें। और फिर हमें एक और ट्रेस पेपर लेना है, उसको लंबाई में इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है, यहाँ बीच से हम कटिंग कर लेंगे उसकी। तो हमारा ज्वाइन करने के बाद एक तरफ की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो हमें पूरा जो हमारा ट्रेस पेपर मैं बना रही हूँ इसको हमें पूरा चौकोन बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जॉइंट है उसके नीचे हम अपना कटा हुआ ट्रेस पेपर यहाँ पर फिर से ज्वाइन करेंगे इस तरह से ज्वाइन करें, यहाँ इस तरह से ज्वाइन करेंगे।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जॉइंट हो गया है। तो अभी भी हमारा थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसका जो बचा हुआ हिस्सा है हम यहाँ पे भी जॉइन कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे भी जॉइन कर देंगे, और जॉइन करने के बाद जो भी हमारा बचा हिस्सा रहेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो हमारा चौकोन ट्रेस पेपर बड़ा सा चौकोन सा तैयार हो गया है, और उसी पे हम पूरी डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा हमने ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन जोड़ा हुआ है हमारा ट्रेस पेपर। फिर यहाँ से ये इधर जोड़ा हुआ है, छोटा वाला इधर जोड़ा हुआ है। तो हमारा ये पूरा, आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पूरा चौकोन सा बन गया है हमारा। तो अब हम बीच से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे यहाँ से बनाना। ये हमारा बीच है, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम नीचे रखेंगे डिज़ाइन को, और उसके बाद हम जैसे हमने ड्रॉ किया हुआ है उसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला कि हमें 5 फ्लावर्स बनाने हैं। तो हम पहले बीच वाला बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके साइड साइड बनाएंगे, और फिर इस फ्लावर को बनाने के बाद हमें 4 फ्लावर बनाना है इसके किनारे पे, और बराबर बराबर पे रख के हम उसको अच्छे से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से हमें अपने फ्लावर को बनाने के बाद, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से साइड वाला फ्लावर कहाँ बनाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से हमें एक इधर बनाना है, फिर इसके ठीक जो हमें बनाना है, फिर उसके सामने इधर बनाना है। तो हमें 4 कॉर्नर फ्लावर बनाना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा सेम फ्लावर हम कैसे पेपर की मदद से सेम फ्लावर बना पा रहे हैं। नहीं तो अगर हम पेपर पे नहीं बनाते तो हमारा फ्लावर ज़रूर छोटा बड़ा हो ही जाता। तो इसके लिए मैं पेपर यूज़ की हूँ कि ताकि हमारा फ्लावर एक सेम एक जैसा और एक बराबर सा है, अच्छा लगे दिखने में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर हमने दूसरा फ्लावर बना लिया है। अब ठीक एक उसके सामने मैं बनाऊँगी, और फिर जो हमारी दोनों तरफ की जगह खाली खाली है आमने सामने बनाऊँगी। पूरा मतलब क्या है, एक बीच में रहेगा और चार फ्लावर किनारे किनारे रहेगा। तो मैंने बना लिया, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको समझ आया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो खाली जगह है फ्लावर के बीच बीच की, वहाँ पे मैंने लीव बना दिए इस तरह से डिज़ाइन को भरने के लिए। इस तरह से मैंने लीव बना दिए, यहाँ पे हमारी 4 लीफें बन गई हैं। फिर उसके बाद हम लीफ के जो उसके बाद भी हमारी लीफ के पास जगह खाली दिख रही है, तो उसमें हम जो हमने डिज़ाइन बनाई हुई है डाली कली और फ्लावर और पत्ती वाली लीफ वाली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। तो ये डिज़ाइन हम लीफ पे रखेंगे और अच्छे से इसमें मैनेज करेंगे, इसको अच्छे से इसमें बिठा लेंगे ताकि वो अच्छे से आ जाए। तो डिज़ाइन को भी हम इस तरह से बना लेंगे, और ये डिज़ाइन हमें जो हमारी खाली जगह है चार तरफ फ्लावर के बीच बीच की, हम चारों तरफ बना लेंगे। इस तरह और इस तरह से हमें डिज़ाइन को यहाँ पर बना लेना है। इस तरह से हमें यहाँ ये डिज़ाइन तैयार कर लेंगे, और इसी तरह से हमें जो हमारे बाकी की खाली जगह है उसमें भी हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ हमने डिज़ाइन बना ली है, और इसी तरह से अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी तरफ डिज़ाइन बना ली है। अब हमारे फ्लावर की बारी है, जो हमारा फ्लावर के ऊपर खाली दिख रहा है अब हम उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम फ्लावर बनाएंगे 2 लीफ और 2 बड़ी लीफ बनाएंगे उस पर। इस तरह से 2 बड़ी लीफ हमने बनाई हुई है, और ये छोटी 2 लीफ बनाई है। तो उस लीफ के बीच में जो हमने छोटा बूटा बनाया है उसको रखेंगे इस तरह से, और चारों पे इसी तरह बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कितने आसानी से आपको
बनाना बताया है, कितना आसान तरीका है अपनी बेडशीट के लिए डिज़ाइन तैयार करना। आप भी बहुत अच्छी सी इससे भी खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से छोटी छोटी डिज़ाइन को ज्वाइन करके एक अच्छी सी डिज़ाइन बना लेंगे तो आपकी बेडशीट बहुत ही खूबसूरत सी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट डिज़ाइन है। तो आप देख सकते हैं हमने चारों फ्लावर पे दो लीफ बढ़ाई हुई है और दो छोटी लीफ बनाई हुई है और उस पर जो छोटा बूटा था उस पर लगा दिया है। अब उसी छोटे बूटे से हमें अपनी बेडशीट के लिए सर्कल तैयार करना है। उसके लिए हम छोटी सी लाइनिंग उसी डिज़ाइन से छोटी सी लाइनिंग बनाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारा हमने चार जगह पे बनाया हुआ ये डिज़ाइन, और ये जो हमारी डाली है उसको भी हमने चार जगह पे बनाई हुई है। उसके बाद ये जो हमारी डिज़ाइन है इसी से हमें दो चार स्टेप करके यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है, डिज़ाइन की सीधी स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। और अपने बेडशीट पे आप बेड पे सर्कल पहले बना लें कि डिज़ाइन बेडशीट के ऊपर ही आए, नीचे ऊँचे ना जाए। और इस तरह से हमें छोटी सी हमें डिज़ाइन बनानी है और इसको ट्रेस पेपर पे पेपर की मदद से हम अपने बेडशीट पे कन्वर्ट करेंगे, सर्कल बनाएंगे उसी डिज़ाइन से। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा फ्लावर मैंने डिज़ाइन मैंने पूरी तैयार कर ली हुई है। और इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आपको इसको बेडशीट पे करके दिखाऊंगी, जब हमें बेडशीट पे इसे कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक भी करें। और वीडियो कैसी लगी, आपको डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पूछना है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो आपको डिज़ाइन भी मिल सकती है। और मैं आपको इस डिज़ाइन को बेडशीट पे कैसे बनाना है वो मैं आपको बेडशीट पे ड्रा करके दिखा दूँगी। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और फिर आऊँगी मैं एक और अच्छी सी डिज़ाइन लेके। तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।